दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कितने मेगापिक्सल की होती है आपकी आंख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित। आप देख रहे हैं YouTube का चैनल ओनली सिंगल लाइक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप स्मार्टफोन या DSLR तो उसके कैमरे के मेगापिक्सल को देखकर खरीदते हैं ना, लेकिन क्या आप कभी आंख पर ध्यान देते हैं? दोस्तों आंख वह कैमरा है जो शरीर में ही मौजूद है और यह किसी जादू से कम नहीं है। दोस्तों आपकी आंखों को अगर डिजिटल कैमरा बना दिया जाए तो वह कितने मेगापिक्सल का होगा? और आपको जानकर हैरानी होगी कि आंखों को आधार बनाकर ही कैमरा बनाया गया है। जैसा आंखों में लेंस होता है वैसे ही कैमरा में भी लेंस होता है। जिस तरह से आंखों में रेटिना होता है जो दिखाने वाले व्यूज को दिमाग तक पहुंचाता है, ठीक उसी तरह कैमरों में भी एक चिप होती है। दोस्तों मानव आंख किसी कैमरा की तरह ही काम करती है और कैमरा में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला लेंस या प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश को एकत्रित करके तस्वीर बनाता है। दूसरा सेंसर जो छवि के प्रकाशीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और तीसरा प्रोसेसर जो उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वापस स्क्रीन पर इमेज में बदल कर दिखाता है। दोस्तों लेकिन हमारी आंखें एक परिपूर्ण कैमरा नहीं है, यह केवल कैमरा का पहला भाग है। आंखें केवल सामने से आने वाले प्रकाश को ग्रहण कर एक तस्वीर बनाने की क्षमता रखती है और इस बनाई गई तस्वीर को समझने का काम मस्तिष्क का एक खास हिस्सा करता है जो कि वास्तव में सेंसर और प्रोसेसर दोनों का काम करता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसकी क्षमता कितनी है? 5, 8, 12 या 20 मेगापिक्सल। पर क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन के कैमरे का सेंसर किस आकार का है? दोस्तों अधिकतर स्मार्टफोन के सेंसर 1/3.2 इंच के आकार का होता है और यही वो भाग है जिस पर ली गई तस्वीर की गुणवत्ता निर्भर करती है। दोस्तों इसीलिए स्मार्टफोन का कैमरा किसी DSLR कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि समान मेगापिक्सल होने के बावजूद भी DSLR कैमरे के सेंसर का आकार काफी बड़ा होता है। इसलिए एक 8 से 10 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम DSLR का कैमरा किसी 40 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन के कैमरे से अच्छी तस्वीर बना सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से आंख जो प्रकाश ग्रहण करके छवि निर्माण करती है उस छवि की प्रोसेसिंग करने के लिए इसी तरह के सेंसर की जरूरत होती है और मानव शरीर में यह सेंसर आंख में ना होकर मस्तिष्क में होता है। दोस्तों जहां तक आंखों से प्राप्त प्रकाशीय सिग्नल तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित खास प्रकाशीय तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके मस्तिष्क ही इस जानकारी को समझकर एक छवि का निर्माण करते हैं। दोस्तों फोटोग्राफी का सीधा सा अर्थ है रोशनी को पढ़ना और पढ़कर कैद करना। दोस्तों अलग अलग रोशनी के हिसाब से हमारी आंखें खुद को सेट कर लेती हैं और रोशनी को पढ़कर उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं। हमारा दिमाग फिर उस रोशनी से बनी हुई तस्वीर को देखता है। दोस्तों दुनिया में अकेली मशीन है जो आंख का काम करती है, वो है कैमरा। आंख जैसे काम करती है कैमरा ठीक उसका मशीनी रूपांतरण है। रोशनी सबसे पहले कॉर्निया को छूती है, फिर प्यूपिल से होकर गुजरती है और आंख के लेंस तक पहुंचने से पहले ही कॉर्निया रोशनी को 70% मोड़ देता है। दोस्तों आपके कैमरे का फ्रंट लेंस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। कॉर्निया के पीछे का आयरिस रंग और अपर्चर वैसे ही तय करता है जैसे कैमरे का डायग्राम आपके बनाए गए फ्रेम का अपर्चर तय करता है। आंख और कैमरा दोनों के लेंस रोशनी को फोकल पॉइंट तक मोड़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद अलग। दोस्तों आंखों का लेंस फोकस को खुद चेंज कर लेता है, जबकि कैमरे में लेंस को फिल्म से दूर या पास करके फोकस करना पड़ता है। दोस्तों रेटिना बिल्कुल कैमरे के फिल्म जैसा होता है। रेटिना की फोटो रिसेप्टर कोशिका हमारे दिमाग को तस्वीर दिखाती है जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं। दोस्तों आंख कैमरे से बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन दोनों का काम एक ही है जो है रंग और रोशनी की मदद से एक तस्वीर को हमारे दिमाग तक पहुंचाना। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे और जानते हैं आंखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं। दोस्तों आंख एक बार में 576 मेगापिक्सल का क्षेत्रफल देख लेती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क इसे एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता, वह केवल थोड़े से ही हिस्से को हाई डेफिनेशन में प्रोसेस कर पाता है। इसलिए किसी भी घटना को सही तरीके से देखने के लिए हमें अपनी आंखों को उस ओर घुमाना पड़ता है। दोस्तों आंख जो तस्वीर आपको दिखाती है उसका मेगापिक्सल होता है 576 यानी 576। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए, मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले मिले। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।